वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा यहाँ पे चैप्टर टू है सादृश्यता, जो कि आल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एक रीजनिंग के रूप में चैप्टर टू है। और ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि रीजनिंग जो होता है वो हमें हर एक एग्ज़ाम में, जो भी आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे वो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो या आपका एग्ज़ाम कम्पिटिटिव वाला होता है, उन सभी में आपका ये पूछा जाता है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में ही हम रीजनिंग का चैप्टर नंबर टू लेकर आए हैं। जो चैप्टर टू है, क्या है हमारा, सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे इसके बारे में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए हम पहले यहाँ पे कुछ इसके तथ्य के बारे में जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पहला प्रकार है, मतलब जो टाइप वन है, वो क्या है, ये है हमारा हिंदी शब्द सादृश्यता। ये हमारा क्या है, हिंदी शब्द सादृश्यता। इसमें देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला प्रकार है, ये इसमें कई प्रकार में इसे डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पे समरूप शब्द ज्ञात करना, पहला यहाँ पे क्या देखिए, समरूप शब्द ज्ञात करना। अब देखिए समरूप मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपको ज़रूरी है जानना कि समरूप क्या होता है। समरूप मतलब होता है समान, जैसे मतलब उसी के समान जो रूप होता है वही समरूप होता है। जैसे आप एक यहाँ पे हो और आप ही के जैसा एक व्यक्ति और है, तो हम कहेंगे कि आप इसके समरूप हो, आप इसके समान हो। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, देखिए दिया हुआ है कि हम आपको इसे क्वेश्चन के जरिए समझाते हैं, एग्जाम्पल के जरिए। हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिए हैं कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है कि इससे संबंधित शब्द है। जैसे यहाँ पे बोला है चिकित्सक रोगी, अब देखिए यहाँ पे सोचिए चिकित्सक रोगी से क्या तात्पर्य है, तो चिकित्सक है वो रोगी। यहाँ पे एक संबंध बताया गया चिकित्सक से रोगी के बीच में। अब तब आपसे पूछा जाए कि वकील का संबंध किससे होगा, आपको यहाँ पे जो संबंध चिकित्सक और रोगी के बीच में प्राप्त हो रहा है, वही संबंध आपको वकील और अन्य से प्राप्त करना है। तो आप देखेंगे जो वकील है, तो ये वकील किससे प्राप्त होगा, अभिभोक्ता से। क्योंकि देखिए चिकित्सक क्या होता है, चिकित्सक जो होता है वो रोगी को देखभाल करता है, और अभिभोक्ता जो होते हैं, वकील जो होते हैं, वो अभिभोक्ता का कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं जो चिकित्सक, जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार वकील अभियोक्ता से संबंधित है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार, इसी में देखिए हमारा दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप इसमें होता है समरूप युग्म ज्ञात करना। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको अगर एग्जाम्पल के जरिए बताएं कि इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो देखिए क्या दिया एग्जाम्पल आपको दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पे जो विकल्प है उसमें से कह रहा है कि संबंधित शब्द युग में चुनिए। अब देखिए यहाँ पे शब्द संबंधित शब्द युग में देखना है। हम आपको जो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताएं उसमें क्या था, उसमें हमें तीन दिया था एक बताया था, मतलब उसमें एक रिलेशन दिया था कि जैसे चिकित्सक है रोगी है तो वकील तक इससे होगा। और इसमें क्या है, इसमें दो मतलब का दो लोग के बीच में रिलेशन दिया है, आप जो बताएंगे वो दो लोग के बीच में ही बताएंगे। यहाँ पे जैसे कह रहा है बादल बारिश, बादल जब आती है तो बारिश होती है, बादल जब आती है तो क्या होता है, बारिश होता है। तब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जैसा संबंध बादल और बारिश से रिलेटेड है, क्या वही संबंध किसी अन्य एग्जांपल, मतलब किसी अन्य ऑप्शन में है कि नहीं है। तो देखिए अभी फूल गंध है, फूल होता है आता है तो गंध होती है, क्या ये माने नहीं कि फूल आता हो तो ये गंध ही हो। और दूसरा यहाँ पे बोला है, दूसरा बोला है सूर्य प्रकाश, ये देखिए आसमान आपका मेल इससे खा रहा है, क्योंकि सूर्य प्रकाश, जब सूर्य उगता है तो प्रकाश होती है, जिस प्रकार जब बादल आता है तो बारिश होती है, उसी प्रकार जब सूर्य आता है तो प्रकाश होती है। अब देखिए पर्वत पहाड़ और ऑप्शन को हम देखें यहाँ पे, तो पर्वत पहाड़ ये गलत है, क्योंकि दोनों सेम हो जा रहा है। और आदमी काम, जरूरी नहीं कि जो आदमी होते हैं वो हमेशा काम ही करें। अतः यहाँ पे अगर देखा जाए जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, सही आंसर हमारा बी वाला होगा, सूर्य प्रकाश। आगे में इसी प्रकार का देखें, इसी में देखिए हमारा जो तीसरा रूप होता है, तीसरा क्या है, तीसरा है शब्दों के समरूप शब्द ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ मतलब आपको शब्द अलग अलग दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन में से कोई एक शब्द वो शब्द होगा जो आपके दिए गए शब्द से मेल खाता होगा, तभी यहाँ लिखा है ना शब्दों के समरूप शब्द ज्ञात करना। तो कभी इसे एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया, तो एग्जाम्पल ये क्या है कि कौन वैसा ही है जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट। मतलब आपको बताना कि कौन वैसा शब्द है जो भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि से यहाँ पे मिलता हो। तो अगर आप देखें तो जो हमारा बी है, बी ऑप्शन क्या है, बाढ़ है।
बाढ़ जिस प्रकार भूकंप, चक्रवात और ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसी प्रकार जो बाढ़ है वो भी एक क्या है, बाढ़ भी हमारा एक प्राकृतिक आपदा है। वैसे जो यहाँ पे वैश्विक उष्मा है, दुर्घटनाएं हैं, परमाणु विस्फोट है, ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, लेकिन जो हमारा बाढ़ है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनसे मैच खा रहा है। आगे अगर हम देखें इसे हमारा चौथा प्रकार क्या है, चौथा प्रकार है समूह शब्दों के लिए विशेष वर्ग चुनना। समूह शब्द के लिए विशेष वर्ग चुनना, मतलब आपको यहाँ पे शब्द समरूप दिए रहेंगे, उनका एक विशेष वर्ग चुनना है कि कौन सा इसमें है। तो ये से हम एग्जाम्पल के जरिए आपको बताते हैं। यहाँ पे जैसे दिया गया है कि नीचे तीन शब्द दिए हैं, नीचे आपको कितने शब्द दिए गए हैं, तीन शब्द दिए गए हैं जिनमें से कुछ सामान्य विशेषता हैं। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें किसी एक की भी वही विशेषता है, सही विकल्प को चुनिए। मतलब आपको भी यहाँ पे वही बताया गया है जो अन्य में है। तो आइए इसे अगर एग्जाम्पल से देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या तीन शब्द आपको क्या क्या दिए गए हैं, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। यहाँ से आपको ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये तीनों से क्या मतलब मिल रहा है, तीनों से मतलब ये मिल रहा है कि तीनों क्या है, एक सरीसृप है, क्योंकि स्तनधारी, सर्वाहारी, ये सब नहीं, ये क्या है, ये तीनों सरीसृप है। अतः आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जिसका एक शब्द होगा, एक शब्द क्या होगा, सरीसृप। अगर आपसे पूछा जाए कि सरीसृप कौन कौन इसमें आते हैं, तो सरीसृप में आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में सांप, छिपकली, मगरमच्छ और भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बोला है वो तीनों ये क्या है, सरीसृप है। तो इसका मतलब ये था कि आपको तीन चार शब्द ऐसे दिए रहेंगे, आपको उसे एक शब्द में लिखना है। अब आगे हम देखते हैं, अब देखिए पांचवा हमारा क्या है, पांचवा हमारा दो समुच्चय के समूह रूप शब्द समुच्चय ज्ञात करना। शब्द समुच्चय क्या करना है, आपको ज्ञात करना है दो शब्दों के, दो जो यहाँ पे समुच्चय के समरूप होंगे। हम आपको कई एग्जांपल के जरिए से बताएं, तो देखिए एग्जांपल्स में क्या कह रहा है कि नीचे तीन शब्द दिए गए हैं, नीचे कितने शब्द दिए गए हैं, तीन शब्द आपको दिए गए हैं जिनमें परस्पर कोई संबंध है। इसमें आपको एक संबंध कोई दिया गया है, वही संबंध नीचे दिए गए चार विकल्प में से किसी एक में है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जिसमें वही संबंध है और नीचे दिए गए तीनों शब्दों से मेल खा रहा हो। अब देखिए आपको मतलब वही शब्द यहाँ पे ज्ञात करना है जो तीनों से मैच कर रहा है। देखिए तीनों शब्द यहाँ पे क्या है हमारा, तीनों शब्द है हमारा राजा, रानी, महल, ये क्या है हमारा, तीनों शब्द है। अब देखिए यहाँ पे आपसे ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में देखते हैं हम इसके, अगर सॉरी यहाँ पे इसका हम ऑप्शन ले रहे हैं, आप अपने मन से जैसे यहाँ पे पहला आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जैसे शेर, यहाँ पे बोल दिए हम शेर, शेरनी और गुफा, शेर, शेरनी और हम बोल दें यहाँ पे गुफा। अब देखिए यहाँ पे क्या इसमें कोई संबंध मिल रहा है, जैसे इसमें राजा, रानी, महल, मतलब देखा जाए तो तीसरा जो शब्द है ये राजा रानी, मतलब जैसे जो राजा रानी है वो कहाँ रहते हैं, महल में रहते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए शेर, शेरनी वह कहाँ रहते हैं, गुफा में रहते हैं। तो यही ऑप्शन नंबर वन ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। अगला हम इसी प्रकार का देखिए, तो देखिए क्या आता है, ये देखिए हमारा अगला है, अगला हमारा है दोहरी समरूपता। दोहरी समरूपता मतलब इसमें देखिए क्या आता है दोहरी समरूपता का, जैसे आपको यहाँ पे एक दो शब्द दिए रहेंगे, उन दो शब्दों में एक समरूप आपको बताना होगा। अब आपको यहाँ पे जैसे ए है ना, तो ये आपको अगर नहीं मालूम है, बी आपको दिया रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ ये दिया रहेगा, फिर समानुपात हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपको कुछ दिया रहेगा और आपको बी करके यहाँ पे नहीं ज्ञात होगा, तो इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। तो आइए इसे एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बोल रहा है एक कि निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह इतना, चिन्ह इसके समानुपाती का चिन्ह होता है कि बाईं ओर एवं दाईं ओर दो दो शब्द दिए गए हैं, मतलब इसके बाईं ओर लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, दो दो शब्द दिए गए हैं, दोनों ओर के शब्दों में एक ही शब्द लुप्त है, दोनों में से एक शब्द लुप्त का मतलब होता है गायब, लुप्त का मतलब क्या है, गायब है अर्थात वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उन्हें ए तथा बी द्वारा प्रदर्शित किया गया है, लुप्त शब्द नीचे दिए गए चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प में मौजूद है, आपको उस वही सही विकल्प को ज्ञात करना है। मतलब जो लुप्त शब्द है वो आपको नीचे चार विकल्प में से किसी एक विकल्प में दिए गए हैं, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा है। यहाँ पे देखिए आपको शब्द क्या दिया है, शब्द दिया है ए पाते भद्दा, समर पाते शांति, ये आपको यहाँ पे दिया गया। अब देखिए बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या इसमें हम भरें। देखिए अगर हम देखा जाए एग्जाम्पल के लिए हमको बताते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है, ए है सुंदर, बी है युद्ध है। अगर हम यहाँ पे सुंदर रखें, ए की जगह पे अगर हम सुंदर रखें या बी की जगह पे हम भद्दा रखें, तथा समान बातें हो जाएगा यहाँ पे, ए की जगह पे हमारा शांति है और बी की जगह पे हमारा क्या है, युद्ध है। तो देखिए हमें सुंदर,
भद्दा अपोजिट हो रहा है। तो अगर शांति देखा जाए, शांति मतलब क्या होता है, एकदम शांत माहौल। और युद्ध मतलब क्या होता है, एकदम युद्ध मतलब जैसे क्या हल्ला इस टाइप का, मतलब शोर। तो यहाँ पे देखा दोनों अपोजिट आ रहे हैं और दोनों हमारा सही है, अतः हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अन्य ऑप्शन की तुलना करें, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैम आप तो एक ही ऑप्शन बता दी। यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी हम देखते हैं क्या है। एक जगह पे मित्रता, अगर हम यहाँ पे एक जगह पे मित्रता रखते हैं और बी की जगह पे शोर रखते हैं, तो देखिए इसमें क्या मैच खा रहा है। एक जगह पे अगर मित्र रखें मित्रता और बी जगह पे भद्दा, तो मित्रता भद्दा में आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। साथ में अगर देखा जाए शांति और शोर भी, तो ये दोनों अपोजिट हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मित्रता और भद्दा, ये दोनों अपोजिट नहीं है, अतः हम कह सकते हैं जो बी ऑप्शन है वो गलत है। और सी वाले में देखा तो सी वाला हमारा क्या है, सी वाला हमारा दिया गया है ईमानदारी और संधि। अगर हम एक ही जगह पे ईमानदारी रखते हैं, ईमानदारी और भक्ति भद्दा, तो आप बी की जगह पे रखते हैं शांति और संधि। तो यहाँ पे भी हमें कोई मतलब इसका मेल नहीं मिल रहा है। और चौथा जो हमारा है संध्या और हड़ताल, अगर हम एक ही जगह पे संध्या रखें भद्दा, तो बी की जगह पे हम शांति हड़ताल। तो ये जो हमारा दोनों है, ये दोनों हमारा यहाँ पे मैच नहीं खा रहा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है यही सही है, सुंदर और युद्ध, क्योंकि ये दूसरे के क्या है अपोजिट है। आगे हम यहाँ पे क्वेश्चन की जगह आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सीधे आपके एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि हमारा इतना बहुत सारे यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन जो हम लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी पेपर में ना पूछा जाए, अतः यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे देखिए आप जो भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम कराएंगे, उन सभी क्वेश्चन का आप आंसर अगर सही सही दे देते हैं, मतलब आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो भी पेपर में अगर साथ जो भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, तो आप उनका आपका ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी क्वेश्चन से बनने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है, यहाँ पे बोला है कि देखिए हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं क्या बोला है क्वेश्चन। देखिए बोला है कि जिस प्रकार सैनिक का संबंध क्या है, सेना से है। जो सैनिक होते हैं उनका संबंध किससे बताया है, सेना से बताया है। उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, अब देखिए यहाँ पे खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे खिलाड़ी का संबंध अगर आप खेल से निकालें, तो हमारा सैनिक और सेना में आप जो संबंध ज्ञात कर रहे हैं, क्या वो खिलाड़ी और खेल में संबंध आ रहा है, नहीं। अगर हमें टूर्नामेंट डालें तो भी नहीं हो रहा है, खेल कूद डालें तो भी नहीं हो रहा है, और कप्तान अगर लगाएं तो भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर हम टीम देखते हैं तो टीम हमारे यहाँ पे मैच खा रहा है, क्योंकि देखिए जो खिलाड़ी और टीम एक ही भाग होती हैं। खिलाड़ी क्या होता है, टीम का एक भाग होता है। यहाँ पे जिस प्रकार जैसे सैनिक सेना का एक भाग होता है, जो हमारा सैनिक है वो क्या होता है, सेना का एक प्रकार का भाग होता है। उसी प्रकार जो हमारा खिलाड़ी होता है, ये किसका भाग होता है, टीम का एक पार्ट होता है, एक टीम का हमारा यहाँ पे क्या होता है, पार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि गाय का दूध वही संबंध है जो वृक्ष का है। अब देखिए गाय का दूध से वही संबंध है जो वृक्ष का किससे है, फल से है। क्योंकि देखिए वृक्ष का गाय से दूध मतलब जैसे जो गाय है उसे जो हमें फल प्राप्त कर देती है वो क्या है, वो उसका दूध तो ही है। अतः देखते हैं जो हमारा उसका फल है वो हमें दूध प्राप्त होता है। अगर हम वृक्ष का फल देखें तो फल ही तो होगा, वृक्ष का तना और लकड़ी छाया ये तो नहीं होगा, उसका क्या है मेन पार्ट, फल है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश बिल में रहता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, उसी प्रकार उसी रूप में पागल संबंधित किससे होगा। अब आपको बताना है कि जैसे खरगोश बिल से संबंधित होता है, उसी रूप में पागल किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो हमारा डी ऑप्शन है पागल खाना, खरगोश बिल में रहता है तो पागल कहाँ रहता है, पागल खाना में रहता है, घर में या जलखाना कोठरी में तो रहेगा नहीं, वो कहाँ पे रहेगा, पागल खाना में रहता है। अब अन्य क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका संबंध किससे होता है, समाचारों से होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए फिला टेस्टी का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए फिला टेस्टी का संबंध किससे होगा, ट्रेन से तो होगा नहीं है, मेडोसिन से तो होगा नहीं, ये किससे होगा, पोस्टल स्टाम्प से होगा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार समाचारों को इकट्ठा करने वाले को हम क्या कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं। जो समाचार इकट्ठा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जर्नलिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार जो पोस्टल होते हैं, पोस्टल स्टाम्प को संग्रह करने वाला जो जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फिला
पोस्टल जिसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिलाटेलिस्ट कहते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए दो आंसर मिल गए, या तो आपको ये तो मालूम चल गया कि जो हमारे समाचार पत्र होते हैं उन्हें इकट्ठा करने का कार्य कौन करता है, जर्नलिस्ट करता है। कई बच्चों को यहाँ पे नहीं मालूम होगा कि जर्नलिस्ट क्या होता है, तो उनके लिए हम यहाँ पे देखिए बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों को क्या कहता है कि देखिए बीमारी जैसे पैथोलॉजी से है, बीमारी क्या है, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है, उसी प्रकार ग्रह किससे संबंधित है। आपको बताना कि जो हमारा ग्रह है वह किससे संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए ग्रह सूर्य से संबंधित है नहीं, ग्रह सेटेलाइट नहीं, ज्योतिषी नहीं, ये खगोल विज्ञान है। ये क्या है, खगोलीय विज्ञान है, जिसे जिस प्रकार बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी में करते हैं, जिस प्रकार हम क्या करते हैं वैज्ञानिक का अध्ययन जो होता है पढ़ाई जो हम करते हैं पैथोलॉजी में किया जाता है, उसी प्रकार ग्रहों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कोशिका, कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है वैसे ऊतक किससे संबंधित है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जिसे कोशिका हमारा क्या है ऊतक से संबंधित होता है, तो ऊतक किससे संबंधित है। अब आप सोचिए कि ऊतक यहाँ पे किससे संबंधित होगा, क्या वस्तु से संबंधित होगा, नहीं, कान से नहीं, कागज़ से नहीं, ऊतक जो होगा वो हमारा अंग से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे सही हो गया। अब सातवां देखिए अभी कहने का क्या है, सातवां बोला है कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है, रक्त है जैसे रक्त कहाँ बहती है, शिरा से बहती है, तो रक्त जैसे शिरा से संबंधित है वैसे तेल कहाँ से संबंधित है। अब देखिए तेल कार में बहता है क्या, नहीं, कार में तो तेल पड़ता है, इंजन में बहता है नहीं, पाइपलाइन में बहता है हाँ, तो जो तेल है वो पाइपलाइन के द्वारा बहता है, तो हम लिख सकते हैं कि रक्त जैसे शिरा से संबंधित है वैसे ही यहाँ पे तेल पाइप लाइन से संबंधित है। देखिए हम यहाँ पे आपको आंसर के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, मतलब जैसे पूरी तरह से व्याख्या दे रहे हैं, जैसे आपको कोई यहाँ पे कोई डाउट आपका ना रह जाए। अगर कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसका कमेंट आप आंसर बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूँ इसका, या तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होगा उसका हम यहाँ पे उसका डाउट जो होगा वो हमको सॉल्व करा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आठवां क्या बोला है, आठवां बोला है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार किससे संबंधित है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे पूछा है आपको कि यहाँ पे अखबार किससे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे जहाज और कप्तान में रिलेशन क्या मिल रहा है, देखिए जहाज जो होता है वो कप्तान की देखरेख में चलता है, मतलब कप्तान की ही देखरेख में चलता है, कप्तान जैसे चलाता है वैसे चलेगा ना, तो वैसे यहाँ पे बोला है कि अखबार किसके देखरेख में संपादित होता है, प्रकाशित होता है, तो अखबार यहाँ पे किसके देखरेख में होता है, अखबार यहाँ पे संपादक के देखरेख में संपादित होता है, अतः ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नौवां क्वेश्चन क्या बोला है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। क्या बोला आपसे यहाँ पे, मछली की जैसे जल से संबंधित है वैसे चिड़िया किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए मछली जल में रहती है कि नहीं है, अतः आपको बताना है कि चिड़िया कहाँ रहती है, तो चिड़िया जल में रहती है नहीं, मर जाएगी चिड़िया, तो और भोजन में रहती है नहीं, आकाश में रहती है हाँ, चिड़िया हमारी कहाँ रहती है, चिड़िया हमारी आकाश में रहती है, उड़ती रहती है, ये हमारे यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कई बच्चे ना वाई में लगा के चले आएंगे, वाई तो मतलब वाई तो क्या, वाई में थोड़ी रहती हो, तो आकाश में रहती है, वाई तो हर जगह होता है, क्या वाई तो पृथ्वी पे भी है, क्या वहाँ पे भी रहती है, वो आकाश में उड़ती है। अब दसवां देखिए क्या होता है, दसवां बोला है कि अच्छा जैसे बुरे से है, मतलब एकदम अपोजिट बोला है, अगर कोई आप कोई अच्छा है तो यहाँ पे उसका बुरा बताया कि वो बुरा है से संबंधित है, तो वैसे अच्छे किससे संबंधित है, मतलब अच्छा का बुरा है तो छत ऊपर होता है, तो नीचे जो होगा वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, तो नीचे क्या होता है, दीवार नीचे होता है नहीं, खिड़की नीचे होती है नहीं, खंभा नीचे होता है नहीं, नीचे क्या होता है, फर्स्ट होता है, अतः यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या होगा, सही हो गया, फर्स्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे ग्रामा क्या बोला, ग्रामा बोला अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है उसी प्रकार बाढ़ किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अब देखिए आप सोचेंगे कि अपराध और पुलिस में यहाँ पे क्या संबंध है, जैसे मतलब अपराध को करने से कौन रोकता है, पुलिस रोकती है, वैसे अगर बाढ़ आया तो बाढ़ को कौन रोकता है, क्या वर्षा रोकती है, नहीं, वर्षा तो बाढ़ को बढ़ा देगी, नदी रोकती है, नहीं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बाढ़ क्या है, इसका सही ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार, देखिए यहाँ बराबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बराबर क्वेश्चन बोला है कि जिस तरह पॉलियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी तरह कांग्रेस किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो हमारा पॉलियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन में एक संबंध क्या रिलेशन बताया है, तभी ना आप बता पाएंगे कि कांग्रेस किससे संबंधित है। तो जो हमारा पॉलियामेंट होता है वो ग्रेट ब्रिटेन की सांसद का नाम है, पॉलियामेंट किसका नाम है, ग्रेट ब्रिटेन की सांसद का नाम होता है। उसी प्रकार का पूछा जाए कांग्रेस, तो कांग्रेस यूएसए की सांसद का नाम होता है, कांग्रेस किसका नाम होता है, कांग्रेस जो होता है वो यूएसए की सांसद का
नॉर्मल आता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे देखिए आपको मतलब मैथ के साथ साथ जो रीजनिंग है इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ और फैक्ट की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे मतलब देश उसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सभी जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इन लॉ का जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो इसी जो हम वीडियो में डालें यही सब क्वेश्चन होंगे। अब देखिए 13वां यहाँ पे क्या बोला, 13वां बोला है कि जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है, मतलब यहाँ पे दुर्घटना का सावधानी से जो संबंध है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए दुर्घटना घटी तो मतलब दुर्घटना कैसे घटती है, अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो दुर्घटना घटती है। उसी प्रकार कम स्वच्छता से बीमारी होती है, स्वच्छता का हम नहीं करेंगे तो हमें क्या होगी, बीमारी हो जाएगी हमें। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुखना हो जाएगी, और स्वच्छता नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा स्वच्छ रहिए और क्या कीजिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए, गंदगी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रभाव आप ही को पड़ने वाला है। अब देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंध होगा। अब देखिए यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, न्याय का संबंध अदालत से, मतलब जिस प्रकार अदालत में न्याय मिलता है, अदालत में आपको क्या मिलता है, न्याय मिलता है, वहाँ पर पूरी जाँच होती है, फिर जो सही रहता है उसे यहाँ पर न्याय दिया जाता है, तो वही क्या है, न्याय होता है। अब देखिए क्या बोला कि विद्यालय से संबंधित क्या है, तो विद्यालय में शिक्षा मिलती है, विद्यालय से हमें क्या मिलती है, विद्यालय से हमें शिक्षा मिलती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो क्या हो गया, सही हो गया। अन्य क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। देखिए अभी 15वां क्वेश्चन क्या आता है, 15वां क्वेश्चन बोला है कि डाटा जैसे स्टैटिस्कोप, यहाँ पे डाटा जैसे स्टैटिस्कोप से संबंधित है, तो वैसे आपको बोला है कि प्रिंटर किससे संबंधित होगा। अब देखिए स्टैटिस्कोप का मतलब आपको पता रहना चाहिए, ये एक औजार होता है जो डाटा इसका प्रयोग करते हैं, ये क्या होता है, डाटा का एक औजार होता है जो प्रयोग इसका करते हैं। तो उसी प्रकार देखिए प्रिंटर जो है वो किसका औजार है, प्रिंटर है ब्रश, मतलब प्रिंटर का औजार क्या होता है, प्रिंटर का औजार ब्रश होता है। यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग तो होगा नहीं, प्रदर्शनी होगा नहीं, कला तो होगा नहीं, उनका एक औजार क्या है, औजार ही ब्रश है, मतलब जो प्रिंटर होते हैं वो ब्रश से ऐसे ऐसे करते हैं ना, मतलब प्रिंट करते हैं, तो वही यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। और 16वां देखिए क्या कहता है, 16वां कहता है कि जिस प्रकार पारिया का संबंध दांत से है, मतलब दांत में जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पारिया अक्सर दांत में होती है, दांत के द्वारा दांत में ही मतलब ये बीमारी होती है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उसी प्रकार जो ट्रकोमा है उसका संबंध किससे होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे ट्रकोमा के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ट्रकोमा यहाँ पे क्या है, आपके लिए एक नया वर्ड होगा। तो ट्रकोमा आँख का एक रोग होता है, किसका रोग होता है, आँख का एक रोग होता है, आँख में होने वाली एक प्रकार की बीमारी है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रकोमा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पारिया दांत के द्वारा पारिया होता है, दांत में पारिया होता है, और आँख में क्या होता है, ट्रकोमा होता है। अब देखिए यहाँ पे 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से एकदम विपरीत है, मतलब कोई गंवार है और कोई एकदम पढ़ा लिखा है, तो विपरीत हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा। अब देखिए तो रोगी का एकदम विपरीत आपको चाहिए, तो रोगी का अगर विपरीत एकदम दिखा जाए तो क्या होगा, औषधि, क्योंकि औषधि के द्वारा ही रोगी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से देकर शिक्षित किया जाता है उसी प्रकार रोगी को औषधि देकर हम क्या करते हैं, उसे निरोगी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत, जो भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे दिल्ली बीएड 2007 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन देखिए जो 15वां क्वेश्चन था वो दिल्ली पुलिस एसआई 2014 जो पेपर हुआ है इसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शायद ये क्वेश्चन आप जरूर देखिए, क्योंकि ये हो सकता है कि शायद ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता हो। तो यहाँ पे देखिए 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जिस प्रकार मूल्य निर्धारण का संबंध भवन से है, मूल्य निर्धारण का संबंध किससे लगाया है, भवन से, उसी प्रकार समीक्षा का संबंध किससे होगा। क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन ना बच्चे उतना मतलब ध्यान नहीं देते हैं, उनसे गलती हो जाता है, क्योंकि देखिए वो इस पर ना टाइम अपना बर्बाद नहीं करते हैं, बहुत उन्हें पढ़ना रहता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिस प्रकार मुख्य निर्धारक है, मूल्य निर्धारक भवन का मूल्य निर्धारित करता है, उसी प्रकार समीक्षक पुस्तक की समीक्षा करता है। यहाँ पे समीक्षक को क्या कहता है, पुस्तक की समीक्षा करता है। अतः जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या है, यहाँ पे सही है। अब देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन बोला कि जिस प्रकार गहरा का संबंध महासागर से है, मतलब महासागर में क्या होती है, बहुत गहराई होती है, तो उसी प्रकार आपको जो उथला है उसका संबंध आपको बताना है। तो उथला है, तो उथला का मतलब क्या होता है, उसी प्रकार जो तालाब है, तालाब का संबंध उथला से होगा, तालाब के का संबंध क्या होगा, उथला से लिया जाएगा। अब देखिए 20वां क्या होता है, जिस प्रकार महासागर संबंध तालाब से है उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे होगा। अब देखिए महासागर का संबंध किससे लगाया है, तालाब से, एक छोटी सी राशि ली गई है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपसे
किलोमीटर का जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे किलोमीटर का जो संबंध होगा वो मिलीमीटर होगा। क्या होगा हमारा यहाँ पे, मिलीमीटर का। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसे मिलीमीटर ही हम क्यों ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे विश्व प्रकाश जल का सबसे बड़ा संचित स्रोत महासागर है। अगर विश्व का देखा जाए तो क्या था, सबसे बड़ा स्रोत एक हमारा क्या है, महासागर है। जबकि सबसे छोटा स्रोत जो देखा जाए वो तालाब है। मतलब महासागर इतना बड़ा और तालाब छोटा सा, इसका मतलब देखिए यहाँ पे बड़े से छोटे में संबंध लगाया जा रहा है। वैसे यहाँ पे सबसे बड़ा क्या बताया है, किलोमीटर। अगर किलोमीटर का सबसे छोटा पार्ट देखा जाए तो क्या होता है हमारा, मिलीमीटर। क्योंकि आपको पढ़े होंगे फिजिक्स में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ऐसे करके, तो यहाँ पे मिलीमीटर जो क्या है वो सबसे छोटा होता है। अतः हम यहाँ पे मिलीमीटर को ऑप्शन टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है, क्या बोला है, जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे खाड़ी के तीनों ओर भूमि होती है। खाड़ी के, अगर खाड़ी आप देखे होंगे तो उसके तीनों ओर क्या होती है, भूमि होती है। अब देखिए समुद्र के तीनों ओर क्या होती है, समुद्र के तीनों ओर क्या होती है, प्रायद्वीप होती है। यही तो होता है, मतलब समुद्र के तीनों ओर हमारा क्या होता है, प्रायद्वीप हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है पुलिस से, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है क्वेश्चन। अब वैसा देखिए अभी क्या बोला है कि जिस प्रकार टका का संबंध बांग्लादेश से, अर्थात आपसे पूछा गया टका का जो संबंध है बांग्लादेश से। अब देखिए आपको यहाँ पे एक जानकारी और मिल गई कि टका, टका जो होता है वो यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का टका जो हमारा है वो बांग्लादेश का मुद्रा होता है। बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जाए तो क्या होता है, टका होता है। अब देखिए युआन जो है, तो युआन कहाँ का, मतलब ये क्या है मुद्रा है, तो ये युआन जो है वो चीन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है, चीन की मुद्रा। अब आपसे देखिए एक तथ्य आपको मालूम चल गया है कि युआन चीन की मुद्रा होती है और टका क्या होता है, बांग्लादेश की मुद्रा होती है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब तेईसवां देखिए क्या होता है, तेईसवां बोला कि जिस प्रकार मूल्य का संबंध मूल से है उसी प्रकार बैगन का संबंध किससे होगा। मूल्य का संबंध मूल से आ गया, फंसा गया। अब यहाँ पे बच्चे, कई बच्चे तो गलती पक्का इसे करके आएंगे कि मूली मूल वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि इसका कहने का अर्थ क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं कि मूली एक मूल अर्थात जड़ होती है। मूली क्या होती है, मूली एक जड़ होती है। अगर यहाँ पे जड़ लिखता तो बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन मूल लिखा है तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि मूली जो है, मूल है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़ से संबंधित है। उसी प्रकार बैगन, बैगन किससे संबंधित है, बैगन फल से संबंधित है। बैगन हमारा क्या होता है, बैगन हमारा फल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे है वो हमारा क्या है, सही है। अब देखिए यहाँ पे 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से है, एक माता बच्चे से जो संबंध होता है आप सभी जानते होंगे क्या संबंध होता है, उसी प्रकार बच्चे का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए आप सोचिए एक माता और बच्चे में जो संबंध होता है वो आपको वृक्ष से संबंध बताना है, तो यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं है, जो कि बाल वृक्ष है, झाड़, झाड़ी, घास, ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए माता के बच्चे होते हैं उसी प्रकार वृक्ष के बच्चे क्या होते हैं, वृक्ष के बच्चे फूल होते हैं उसके, तो होगा फूल। यहाँ पे फूल ऑप्शन है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए अभी जो 25वां क्वेश्चन है, 25वां क्या बोला कि जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से, अमरूद एक प्रकार का फल है कि नहीं, फल सभी खाते हैं अमरूद, उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है, गाजर क्या है, गाजर फल है क्या, बताइए। अच्छा सोचिए कि गाजर क्या है, मतलब खाते तो सभी होंगे लेकिन पता नहीं है आपको कि गाजर क्या है, गाजर जड़ है जी, गाजर क्या है, गाजर जड़ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 26वां हमारा कि जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु है, लोहा एक प्रकार का क्या है, लोहा एक प्रकार का धातु है, उसी प्रकार आपको बताना है कि पीतल का संबंध किससे है। अब देखिए पीतल का संबंध आपको बताना है, कई लोग बच्चे उनको पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं, पीतल हमारा क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है। अतः हम देख सकते हैं कि लोहा एक धातु से संबंधित है, तो पीतल हमारा किससे संबंधित है, मिश्र धातु से संबंधित है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार पंखुड़ी का संबंध फूल से है, पंखुड़ी का संबंध किससे है, फूल से है, उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। पंखुड़ी का संबंध फूल से है तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। अब देखिए यहाँ पे पंखुड़ी फूल में एक रिलेशन क्या बनना है कि पंखुड़ी फूल का एक क्या होता है, भाग होता है। जो पंखुड़ी होता है ये हमारा फूल का एक प्रकार का भाग होता है। तो वैसे यहाँ पे बोला है कि खिलाड़ी, खिलाड़ी किसका भाग होता है, ये क्वेश्चन हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 7 था उसमें भी हम बताए चर्चा कर चुके हैं। टीम, टीम का पार्ट एक क्या होता है, खिलाड़ी होता है। अब देखिए 28वां क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से एकदम विपरीत, आप मतलब जाओ आओ ये बोलते हैं ना, जाओ मतलब आना, आओ मतलब आना, जाओ मतलब जाना। तब देखिए जिस प्रकार संबंध जाओ का आओ से है उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे होगा, नीचे से होगा, एकदम उसका विपरीत लेना है और क्या, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखो 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से है, जैसे आप जब
ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन कहीं गए होंगे तो वहाँ पे ट्रेन से अगर आता कि होंगे तो उसमें लाल बत्ती हरी बत्ती ये सब के बारे में आप जाकर आपको पता चल गया होता। तो जो लाल का मतलब क्या होता है, जब लाल बत्ती जलती है तो आप रुक जाते हो। तो क्या यहाँ पे कह रहा कि जो हरा बत्ती है, हरा बत्ती जलने से आप क्या करते हो, हरा बत्ती जलने से आप क्या करते हो, चलना स्टार्ट कर देते हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना जो आपके जीवन से रिलेटेड होते हैं, मतलब आपके जीवन से ही कुछ संबंधित होते हैं, उसमें अगर मतलब आप खुद से सोचेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए या तो आप कहीं ये तथ्य आप कहीं पढ़े नहीं होंगे लेकिन आपको यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर मिल गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस प्रकार राइट का रूप होता है, राइट का रूप रोट बनता है, उसी प्रकार हार्ट का रूप क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे राइट रूट आपको ये समझ में आएगा लेकिन हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो राइट है, राइट क्या होता है, WRITE, ये राइट होता है। तो राइट ये क्या है, राइट ये भूतकाल है मतलब पास्ट में है। तो इसका संबंध रोट है, रोट मतलब जिसे राइट का जो भूत मतलब पास्ट है वो क्या बनता है, रोट, भूतकाल के रूप में देखा जाए तो रोट है। अब उसी प्रकार का देखा जाए हार्ट, हार्ट क्या आता है, HURT, तो हर्ट जो हमारा है इसका भूतकाल रूप देखा जाए तो हर्ट ही होगा, क्या होगा हमारा, वही होगा जो वैल्यू यहाँ पे सी दी गई है। बहुत ज्यादा इसे गलत कर देंगे और हर्ट्स लगा के चले आएंगे जो कि उनका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, 31, प्रतीका का संपादक वही संबंध है जो नाटक का है। अब देखिए प्रतीका का संपादक है तो जिस प्रकार प्रतीका में मुख्य भूमि कौन निभाता है, मुख्य भूमि कौन निभाता है, संपादक निभाता है, उसी प्रकार नाटक में अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि कौन निभाता है, आचार्य निभाते हैं क्या, नहीं आचार्य क्या कहता है, चाहे तो देखते हैं क्या अभिनेत्री निभाती है मुख्य उसका पार्ट। तो देखिए यहाँ पे अभिनेत्री नहीं, कौन निर्देशक, निदेशक, निदेशक नाटक अगर चल रहा है और कोई देखे ना तो बेकार है, तो वहाँ पे देखने वाला क्या होता है, वही निदेशक है, वो इसका मुख्य संबंध दर्शाता है। अब 32वां देखते हैं इसमें क्या है, 32 में जिस प्रकार पैर का मनुष्य वही संबंध है जो खुर का है, पैर का मनुष्य मतलब जो मनुष्य होते हैं उनके क्या होता है, पैर होता है, तो यहाँ पे आप खुर किसके होते हैं, गाय की, गाय की क्या, गाय के पैर को हम खुर भी कहते हैं। तो यही कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या है, सही है। 33वां का देखते हैं तो 33वां में हमारा क्या कहता है कि गणित का तर्क से वही संबंध है, आ गया रीजनिंग यहाँ पे। अब देखिए गणित का तर्क से, आप सब गणित में तर्क लगाते हो ना, तो वही संबंध है जो विज्ञान का है। अब देखिए अगर आपसे पूछा गया तो आप इसका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या देंगे, गणित का संबंध तर्क ऐसे है तो विज्ञान में आप क्या करते हो, विज्ञान में आप प्रयोग करते हैं, अक्सर विज्ञान में हम कुछ भी करते हो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें केमिस्ट्री की बात तो केमिस्ट्री में आप प्रयोग ही करते हो, और फिजिक्स में भी आप क्या करते हो, थोड़ी बड़ी जानकारी लेते हो, प्रयोग करके ही आप ज्ञात करते हो। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 34 क्या कहता है कि जिस प्रकार ताले का चाबी से वही संबंध है जो अपराध का है। अब ताले का चाबी से, ताला है तो चाबी के बिना बेकार है और चाबी है तो ताला के बिना बेकार है, दोनों में एक अच्छा सा रिलेशन है। तो आपको अपराध का किससे होगा, अपराध का होगा जांच से, अपराध का क्या होता है जांच से संबंध यहाँ पे सही होगा। अतः ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे क्या है सही है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन क्या है 35 क्या कहता है 35वां कि रेडियो का श्रोता से, मतलब जो रेडियो है उसका श्रोता से संबंध है, तो चलचित्र का किससे संबंधित है, चलचित्र का यहाँ पे देखिए दर्शक से संबंधित हुआ। ये सब मतलब क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आसानी से कर सकती हैं, ये इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए रेडियो श्रोता मतलब रेडियो जो होता है वो श्रोता सुनते हैं मतलब से, और चलचित्र कौन देखता है, दर्शक देखते हैं। अब 36वां देखिए क्या है, पुस्तक का पुस्तकालय से संबंध है जो पशु का, पशु कहाँ रहते हैं, पालतू होते हैं पशु, ये तो ही पूछा कि पशु क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो पशु कहाँ रहते हैं, चिड़ियाघर में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं स्वास्थ्य का बीमारी से वही संबंध है जो आनंद का, आनंद का किससे होगा, दुख का होगा, स्वास्थ्य बीमारी मतलब दोनों अपोजिट है, तो आनंद का क्या होता है, आनंद का दुख होगा। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे 38वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गुरुत्व का कर्षक वही संबंध है जो चुंबक का होता है, चुंबक क्या कहता है, आकर्षित करता है। अब देखो 39वां क्या कहता है, आता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 39वां देखें तो इसमें क्या है, मुख का अभिव्यक्ति से वही संबंध है जो संगीत का क्या होता है, संगीत का हमारा धुन से होता है। देखिए मुख के द्वारा आप अपनी भावों को अपनी बातों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने अभिव्यक्ति करते हैं, और तो संगीत के द्वारा क्या कहते हैं, संगीत के द्वारा अपनी धुन को व्यक्त करती हैं। अब 40वां यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि दिवस का रात से वही संबंध है जो धुंधला वेला का किससे संबंध है, धुंधला वेला का संबंध है उषा काल से, समझे, धुंधला वेला का संबंध किससे, धुंधला वेला का संबंध उषा काल से, क्योंकि दिन रात दिवस रात का मतलब एकदम अपोजिट है, धुंधला वेला जो है वो क्या है, विलोम इसका होगा उषा काल से। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर है
41 मतलब 41वां क्या कहता है कि चौड़ा संगीर पैना, जो हम आपको बताए थे जो पाठ शायद प्रकार हमारा दो था उसमें हम बताए थे कि इसे हम कैसे बताते हैं। देखिए चौड़ा संकीर, चौड़ा संकीर में जो रिलेशन होगा वो आपको पैना के साथ जो बनेगा यहाँ पे उसे बताना है। तो आप देखिए जो पैना, पैना क्या होता है, धारहीन होता है। जैसे जिस प्रकार चौड़ा का विपरीत संकीर होता है, चौड़ा का अगर विपरीत देखेंगे तो संकीर मतलब पतला के रूप में एक बार देखा जाए, तो पैना का विपरीत क्या होता है, पैना का विपरीत होगा धारहीन। पैना का विपरीत क्या होगा, धारहीन होता है। ऑप्शन नंबर ई जो हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। ऐसे कलाम देखते हैं, बैलसामा क्या कहता है कि पक्षी पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी किसे संबंधित है, पक्षी वैज्ञानिक से, तो वही कीट किसे संबंधित है, कीट हमारा कीट वैज्ञानिक से संबंधित होगा। ये तो सबसे आसान होगा, इसे जो ना कर पाए तो बेकार ही है। और देखिए दोनों क्वेश्चन जो है वो यूपी SSSC क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रादेशिक विकास दल अधिकारी 2018 में पूछा गया है। मतलब दोनों के साथ इतनी आसान क्वेश्चन मतलब आपसे पूछे गए हैं, आप उसे प्लग झपकाते ही इसे क्या करेंगे, देख कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं पूछता है, बस आपको मतलब देखना कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अब जो यहाँ पे 43 वाला क्वेश्चन है, 43 देखिए क्या कहता है, जैसे कीड़ा रोग, कीड़ा से एक रोग का संबंध है तो युद्ध से किसका होगा, अब बताइए युद्ध से किसका होगा, तो युद्ध से यहाँ पे होगा विनाश से, युद्ध से विनाश से होगा। कई बच्चे ना गलती करके आ जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे कीड़ा रोग का कारण होता है, जो कीड़ा होता है वो रोग का, आपके शरीर पे कोई कीड़ा रेंग देता है तो आपको डर लगा था कहीं से कुछ इसे कुछ मतलब कुछ हो ना जाए, इस टाइप का कोई डर होता है, अर्थात एक रोग से आप भयभीत हो सकते हैं। तो कीड़ा जो होता है वो एक रोग का कारण होता है, उसी प्रकार जो युद्ध होता है एक विनाश का कारण होता है, मतलब युद्ध होगा तो विनाश तो जरूर निश्चित ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि युद्ध में कुछ हो ही ना, तो ये होता है। अब अगला का यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, देखिए 45वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये बोला कि प्रफुल्लित रूखा, प्रफुल्लित का संबंध किससे बताया, रूखा से, तो उसी प्रकार देखिए बहादुर का संबंध किससे होगा। यहाँ पे देखिए प्रफुल्लित और रूखा में क्या आपको मिल रहा है, प्रफुल्लित रूखा मतलब आपको एकदम अपोजिट मिल रहा है, तो बहादुर का अगर अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा, कायर होगा। कोई लोग कहते नहीं है एकदम कायर हो, तुम कुछ कहते हो तो नहीं हो, क्या हो, कायर हो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। आज सब नहीं है, आज सब तो बहुत मेहनती है और बहादुर भी है, वो बच्चे जो क्या कहते हैं ना कि पढ़ते लिखते हैं नहीं, उनको उनको बोला जाता है कायर। अब देखिए 46वां उसमें क्या बोला है कि सविनय विनम्र, सविनय का संबंध यहाँ पे बताया किसे, विनम्र से, तो वैसे निराश्रित किससे संबंधित होगा, निराश्रित यहाँ पे गरीब होगा। अब सबसे पहले आपको निराश्रित मतलब पता, निराश्रित मतलब एकदम क्या होता है, जैसे मतलब करा कि सविनय विनम्र से दूसरे से पर्याय है, दूसरे का निराश्रित क्या है, गरीब का एक पर्याय है। अब देखिए यहाँ पे अगर अगला देखते हैं 47वां क्या कहता है कि जैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश है, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका थोड़ा आपके मतलब जी जी टाइप का वाकई में लग रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो रांची किससे का होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, तो रांची किसकी राजधानी है, यह आपको जानना जरूरी है, रांची हमारी क्या है, झारखंड की राजधानी है। अब देखिए जो 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दयालु परोपकारी से है, दयालु क्या होता है, परोपकारी से है संबंधित है, तो बता आपको बताना है पहले यहाँ पे भरना है, विलापी से संबंधित होना चाहिए, तो जिस प्रकार दयालु और परोपकारी समार्थी शब्द होते हैं उसी प्रकार दुखी और विलापी क्या होते हैं, समार्थी शब्द होते हैं, अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। आगे हम इसी प्रकार क्वेश्चन अगर देखते हैं तो देखिए क्या है, शेर माद से संबंधित है तो खरगोश इससे संबंधित होगा, खरगोश बिल से होगा ना, खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश बिल में रहता है। ऐसे हम आगे देखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे 50वां क्या है कि वर्षा मापी वर्षा से संबंधित है, तो सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होगा, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है, सिस्मोग्राफ ग्राफ भूकंप से संबंधित होता है, जो वर्षा मापी यंत्र होता है वो वर्षा मापने के लिए किया जाता है, तो जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप नापने के लिए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। अब देखिए 51वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक स्कूल, शिक्षक जो स्कूल जो शिक्षक होते हैं वो कहाँ आपको प्राप्त होंगे, कहाँ मिलेंगे शिक्षक, तो आप कहेंगे शिक्षक स्कूल में कार्य करते हैं, तो जो नर्स होता है वो कहाँ कार्य करता है, तो वो अस्पताल में कार्य करते हैं। अब 52वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 52 खिड़की बढ़ई से, बढ़ई क्या कहता है, खिड़की बनाता है, तो मूर्ति कौन बनाता है, मूर्तिकार बनाता है। इसमें देखिए इतने आसान क्वेश्चन है कि आप देख के ऐसे तुरंत कर सकते हैं कि हाँ तो हो जाएगा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल। अब देखिए 43 वाला क्या कहता है, 43 दिल ऑडियोलॉजिस्ट, तो हड्डी किसे संबंधित है, हड्डी आपको बताना है किसे संबंधित है, हड्डी हमारा संबंधित है ऑर्थोपोटिक्स से, तो यह आपको जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए
की जाती है पोटिक्सी से, जिस प्रकार दिल संबंधित बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को हम क्या कहते हैं, ऑटियोलॉजिस्ट कहते हैं, उसी प्रकार हम हड्डियों से संबंधित बीमारियों का इलाज कराने वाले डॉक्टरों को हम क्या कहते हैं, आर्थोपोडिक्स कहते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि दिल से जो बीमारी जाँच कराते हैं, जो साथी करते हैं डॉक्टर, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ये अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप उसे गलत करके चले आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा 2018 में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब 44 वाला देखिए क्या है, बर्फ़ है ठंडक तो पृथ्वी किससे मिलते हैं, बर्फ़ से आपको क्या कहा जाता है, बर्फ़ से आपको ठंडक प्राप्त होती है, ठंडक मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी से क्या मिलता है, पृथ्वी से क्या मिलता है बताइए आपको, पृथ्वी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के रूप में है। अब देखिए 55 क्या कहता है, वीडियो प्लेयर कैसेट, वीडियो प्लेयर क्या है, कैसे से संबंधित है, तो कंप्यूटर किससे संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार कैसेट में क्या होता है, यहाँ पे कैसेट को वीडियो प्लेयर में चलाया जाता है, उसी प्रकार फ्लॉपी को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में चलाते हैं, क्या चलाते हैं, फ्लॉपी को हम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही है। आगे अगर हम इसी प्रकार देखें तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन दिया है 56 जो है काबुल नहीं सॉरी बुलबुल है, बुलबुल क्या है, बारबल से संबंधित है, तो मेढक किससे संबंधित होगा। अब आप सोचेंगे बुलबुल क्या है, जो यहाँ पे देखिए बुलबुल की आवाज़ बारबल से की कहलाती है, मतलब जो बारबल की बुलबुल की आवाज़ कहलाती है, तो मेढक की आवाज़ क्या कहलाती है, मेढक की आवाज़ जो होती है वो हम क्राक कहलाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अब देखिए जिन बच्चों को मालूम होगा कि मेढक की आवाज़ क्या कहते हैं तो वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो संबंध इन्हीं दोनों में नहीं लगा पाएंगे तो इसका क्या उम्मीद है संबंध लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन पक्का छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आज आप तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मैंने आप सबको बता दिया है। अधिक हमें 57 का कह रहा है कि रेशम किट रेशम से संबंधित है तो नाक किससे संबंधित होगा, रेशम किट रेशम से। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रकार रेशम किट से रेशम प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार नाक से क्या प्राप्त किया जाता है, नाक से आपको क्या चाहिए, नाक से आपको क्या मिलेगा, विष तो मिलेगा और क्या मिलेगा। अब 58 वाला क्या चाहिए, देखिए क्या बोलता है कि कीटाणु बीमारी से संबंधित है तो जंग किससे संबंधित है, आप बताइए कि जंग किस समय फौज से संबंधित है क्या, नहीं हाथ से नहीं, तो यहाँ पे जंग है तबाही से, किसे है तबाही से संबंधित है, अर्थात जहाँ जिसे जो कोई लोहा होता है अगर उसमें जंग लग जाए तो उसका क्या होता है, छीड़ होते जाता है और ख़राब होते जाता है धीरे धीरे। अब 59 देखिए क्या कहता है कि भारत रुपया से, भारत का जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया, या सब जब जानते हैं क्योंकि हम सभी क्या हैं भारतीय हैं, तो यूके का मुद्रा क्या है ये आप बताइए, यूके का मुद्रा जो होता है वो पाउंड होता है, क्या होता है, पाउंड होता है। कई बच्चे को यह बात नहीं मालूम होगी तो उन्हें यहाँ पे देखिए एक जनरल नॉलेज के रूप में भी मालूम चलेगा कि यूके की मुद्रा जो क्या होती है, पाउंड होती है। अब आगे हम इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शरीर कंकाल, देखिए यहाँ पे क्या है, शरीर कंकाल से संबंधित है तो उसी प्रकार व्याकरण मतलब क्या है, इसके पहले संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए शरीर कंकाल तो भाषा क्या है, भाषा व्याकरण रहता है। अब देखिए यहाँ पे 61 वाला क्या कहता है, गैराज मोटर कार और वायुयान से क्या संबंधित होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया गैराज मोटर कार में एक रिलेशन, देखिए तो गैराज में मोटर कार को खड़ा किया जाता है, गैराज में क्या करते हैं, मोटर कार को अपने खड़ा वहाँ करते हैं, तो वायुवान कहाँ खड़ा करते हैं, वायुवान को हैंगर में खड़ा किया जाता है, वायुवान को कहाँ खड़ा जाता है, हैंगर में। ये तो बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, ये पूछ भी चुका, देखिए पुलिस ये शायद 2014 में इसमें पूछा था क्वेश्चन, तो जिन बच्चों को पता रहेगा वो तो कर ही लेंगे, जिन्हें नहीं पता होगा वो कहाँ से करके आएंगे, तो छोड़ के ही चले आएंगे, उन्हें क्या, उन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं रहती है। देखिए यहाँ पे क्या है, सामान्य पते पाठक से संबंधित है, किससे संबंधित है, पाठक से संबंधित है, तो रोटी किससे संबंधित हो गई, आ गया रोटी, अपना रोटी क्या है, जीवन का एक मूल उपभोक्ता समझ लीजिए, तो समाज चार पत्ते पाठक से संबंधित है तो रोटी उपभोक्ता से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 36 देखते हैं, तो मैराथन दौड़ से संबंधित है तो शीत निद्रा किससे संबंधित होगा, शीत निद्रा ये किससे संबंधित होगा, ये निद्रा से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 64 क्या कहता है कि शक्ति वाट से है। अब देखिए शक्ति का जो मात्रक होता है क्या आता है, वाट होता है, तो आयन का मात्रक क्या होता है, ये तो बहुत आसान है, लीटर, या क्लास एट से पढ़ते चले आ रहे होंगे। अब देखिए जो यहाँ पे 65 है वो क्या कहता है कि 10 दशमलव से संबंधित है तो 2 किससे संबंधित है, 2 आपको यहाँ पे बताना है किससे संबंधित होगा, 2 हमारा संबंधित होगा यहाँ पे
देखिए आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा किसका रिलेशन बताने का प्रयास ये क्या कर रहा है, मतलब क्या यहाँ पे शो करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए यहाँ पे जैसे कंप्यूटर विषय के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 10 जो होता है दशमलव पद्धति का आधार होता है। 10 किसका होता है? दशमलव पद्धति का आधार होता है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 किसका होता है? 2 बाइनरी पद्धति का आधार होता है अर्थात युग्मक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अन्य क्वेश्चन की बात हम इसी प्रकार करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन और लिए हैं। क्वेश्चन क्या है? आशावादी प्रसन्न से संबंधित है तो निराशावादी किससे संबंधित होगा? आशावादी प्रसन्न है तो निराशावादी उदास होगा। और क्या, आशावादी है तो प्रसन्न होगा, निराशावादी किससे होगा? उदास से होगा। अब से यहाँ पे 67 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो धन क्या है? दुरुपयोग। धन का हम क्या कहते हैं? दुरुपयोग करते हैं अगर तो लेखक किससे संबंधित होगा? लेखन का क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी हो जाता है। अशुद्धि तो होगा नहीं, चोरी तो होगा नहीं, साहित्यिक चोरी यहाँ पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? साहित्यिक चोरी। कई बच्चे ना उसे चोरी पे कर लगा के कर जाते हैं जो कि गलत है। अगर यहाँ पे कोई अपराध होता है या गुनाह होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ चोरी से है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लेखन का टाइप है, मतलब साहित्य लिखने का यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्या जाएगा? साहित्यिक चोरी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 68 वाला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। भेड़ मटन से संबंधित है तो मिहिरन किससे संबंधित होगा? मतलब जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन कहते हैं। कई लोग इसमें मटन खाते होंगे तो नहीं खाना चाहिए, हम आपको वहाँ बताते हैं। तो देखिए सबका मतलब अलग अलग होता है ना, जो बहुत लोग खाते हैं दूसरों के जान को मतलब मार के खाना, ये तो गलत बात है ही, छोड़ी जाने दीजिए। इस पर हमें बहस नहीं करना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि भेड़ मटर से संबंधित है तो हिरण किससे संबंधित होगा? आप सोचिए हिरण किससे संबंधित हो सकता है? हिरण होगा हमारा संबंधित वैनिस से। किससे होगा? वैनिस से। अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो क्या है? सही है। और देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, 2013 में पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे 59 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 69 वाला, मोची चमड़ा। मोची क्या कहता है? मोची जानते हैं किसे कहते हैं? जो जूता सिलते थे चप्पल पर उन्हीं को मोची कहते हैं। तो दर्जी क्या कहते हैं? दर्जी क्या कहते हैं? दर्जी धागा सिलते हैं क्या? नहीं, दर्जी कपड़ा सिलते हैं ना। ये तो सबको पता होगा कि दर्जी क्या कहते हैं। दर्जी क्या कहते हैं? दर्जी कपड़ा सिलते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 70 वाला, कि नभ्य अनभ्य से संबंधित है तो आत्मविश्वास किससे संबंधित होगा? आप सोचिए कि जो नभ्य है वो अनभ्य से संबंधित है तो आत्मविश्वास किससे संबंधित होगा? नभ्य अनभ्य क्या है? नभ्य अनभ्य दूसरे के विपरीत हैं। तो आत्मविश्वास का अगर विपरीत देखा जाए तो आत्मसंशय होगा। क्या होगा इसका? आत्मसंशय। अतः ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा क्या है? सही है। तो यहाँ पे 71 वाला देखिए क्या कहता है, बटुआ पैसे। बटुआ में आप क्या रखते हैं? बटुआ में आप क्या रखते हैं? पैसे ही रखते हैं ना बटुआ में। पहले के लोग जैसे इस समय क्या है, इसमें पर्स चला गया है, हैंड पर्स हो गया है, और लड़कियों के लिए तो अलग अलग से कई पर्स निकल चुके हैं। तो पहले का क्या होता है, पहले जो हमारी दादी जी थी, आप अपनी दादी को कभी देखे होंगे, वो उनका छोटा सा बैग होता था बटुआ, उसे कहती थी, अपने से गले में रस्सी से गले में उनके गले में से बांध के से लटकाई रहती थी, उसी में कुछ पैसे रखती थी जिन्हें आप मांगने पे देती नहीं थी। सब यहाँ पे देखिए जो 61 है बटुआ वो पैसे से संबंधित है तो अलमारी में आप क्या रखते हो? अलमारी में आप कपड़े रखते हो कि लकड़ी रखते हो कि इस्पात रखते हो कि ताला रखते हो? आप बताएंगे कि अलमारी में हम क्या रखते हैं? कपड़े रखते हैं। वैसे तो रख सभी सकते हैं लेकिन आपके ऊपर अक्सर अलमारी में हम क्या रहते हैं? अलमारी हम किस लिए लेते हैं? कपड़े रखने के लिए लेते हैं ना। तो आइए अब यहाँ पे 72 वाला देखते हैं क्या कहता है, कि पूर्व पश्चिम से संबंधित है उत्तर पूर्व किससे संबंधित होगा? मतलब पूर्व पश्चिम से संबंधित है तो उत्तर पूर्व हमारा किससे होगा? दक्षिण पश्चिमी से होगा। अगर हम इसे दिशा के रूप में आपको यहाँ पे बता के दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे रिलेशन बता रहे हैं, ये हमारा अगर देखा जाए तो ये हमारा पूर्व होता है, ये हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है, और ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा क्या होता है? दक्षिण होता है। तो बोला कि पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम इसका विपरीत बता रहा है आपसे, तो उत्तर पूर्व, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व, इसके बीच में होगा उत्तर पूर्व, ये हमारा क्या होगा? उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे जो होगा इसका विपरीत यही तो होगा, तो ये हमारा क्या होगा? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 73 वाला क्या कहता है, कि बैडमिंटन पटल से संबंधित है, शटल से। बैडमिंटन किससे संबंधित है? शटल से संबंधित है, तो क्रिकेट किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। अब देखिए बैडमिंटन शटल से मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैडमिंटन खेल में शटल का प्रयोग किया जाता है तो उसी प्रकार क्रिकेट खेल में क्या कहते हैं आप? क्रिकेट खेल में हम गेंद का प्रयोग करते हैं, पासा का प्रयोग करते हैं। क्या पासा? तो लीडो वाला गोटिक होता है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? गेंद का प्रयोग करते हैं। अब देखिए 74 क्या कहता है, यहाँ पे भविष्यवाणी भविष्य से संबंधित है तो खेद किससे संबंधित होगा? अब देखिए यहाँ पे आ गया भविष्यवाणी, आपको भविष्य समित बताया गया है। भविष्य समित मतलब क्या था? आप कोई भविष्यवाणी निकालते हो इसका मतलब क्या है, वो आपके भविष्य में आने वाला है। तो खेद अगर पूछा जाए तो किसे समित है? खेद यहाँ पे हमारा अतीत से समित है। किसे है? अतीत से।
75 आप देखिए तो विरोधी शत्रु से संबंधित है, तो विपत्ति किससे संबंधित होगा? विरोधी हमारा क्या है? शत्रु से है, तो विपत्ति हमारी क्या होगी? कठिनाई से होती है। और 76 आप देखिए पक्षी कीड़ा से संबंधित है, तो बिल्ली किससे संबंधित होगा? आप सोचिए बिल्ली किससे है? बिल्ली हमारी क्या होती है? पक्षी जो होते हैं वो क्या खाते हैं? अस्तबल खाते हैं। अस्तबल मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा खा पाएंगे नहीं, घोड़ा ही उन्हें मार डालेगा, पनीर तो खाते नहीं है। हाँ, गुफा खाते हैं, गुफा कैसे खाएंगे? गुफा तो खा ही नहीं सकते हैं। तो बिल्ली जो होती है वो क्या खाती है? बिल्ली चूहा खाती है, छोटे छोटे चूहे जो होते हैं उन्हें मार मार के बिल्ली खा जाती है। ठीक है, अब 77 देखिए क्या कहती है। यकृत हृदय से संबंधित है, यकृत किससे संबंधित है? यकृत हृदय से संबंधित है, तो विकृत किससे संबंधित होगी? विकृत जो हमारा वो किससे संबंधित होगी? यहाँ पे विकृत हमारा होगी फेफड़ा से, किससे होगा? फेफड़ा से। अब अगला यहाँ पे देखिए, अगला क्या कहता है कि यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपको लगाते हैं 78 कि गड़गड़ाहट वर्षा, गड़गड़ाहट क्या होता है? यहाँ पे वर्षा से संबंधित है, तो रात किससे संबंधित होगी? तो रात यहाँ पे देखिए किससे संबंधित होगी? अंधेरा से, किससे होगा? यहाँ पे अंधेरा से, रात हमारी किससे संबंधित होगी? अंधेरा से होगी। अब 79 देखिए तो पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तो चांद क्या है? चांद एक उपग्रह है। कई बच्चे क्या करेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि चांद क्या है, ऐसे चल छोड़ के चले आएंगे, तो चांद क्या है हमारा? चांद हमारा उपग्रह है। यहाँ पे देखिए हम आपको साइंस जियोग्राफी के भी कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं। अब 80 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ पे पकाना ब्रेड तो दही कहता है, दही किसे जमता है बताइए? पिघलना से, थक्का से, वाष्पीकरण से? नहीं, दही हमारा क्या होता है? कीड़वन से, किससे होता है? कीड़वन से। अब देखिए 81 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोला है कि रंग लाल, रंग बोला क्या? लाल, तो भाषा आप सोचिए भाषा क्या हुआ? जिस प्रकार लाल एक रंग है उसी प्रकार भाषा एक क्या है? अंग्रेजी एक हमारी भाषा है, उस पर क्या है? अंग्रेजी एक हमारी भाषा है, पढ़ना लिखना ये तो उसके तथ्य है, तो अंग्रेजी हमारी क्या है? एक भाषा है। अब 82 वाला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कोंकणी गोवा, कोंकणी गोवा, तो डोगरी क्या है? ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, डोगरी कोंकणी, तो देखिए डोगरी क्या है? डोगरी हमारा जम्मू कश्मीर की एक भाषा है, कोंकणी गोवा की भाषा है, तो डोगरी क्या है? जम्मू कश्मीर भाषा है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी, जम्मू कश्मीर की भाषा क्या है? डोगरी। नाम देखिए कितने अजीब है इसके, यहाँ पे जो इसका असल नाम सी है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 83 के देखिए क्या है, ग्रीष्मकाल गर्मी, ग्रीष्मकाल में क्या होती है? गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी, अभी भी क्या चल रही है? गर्मी चल रही है। और शीतकाल में क्या होता है? सोचिए शीतकाल में क्या होता है? शीतकाल में ठंडा पड़ता है, आपको ठंड लगता है ना, स्वेटर पहन के घूमते बाहर, तो शीतकाल में हमें ठंडी लगती है। आगे हम क्वेश्चन देते हैं, कमीज वस्त्र, कमीज एक प्रकार का वस्त्र है, तो गले का हार क्या है? एक प्रकार का गहना है, क्या है? गहना है, जो हम गले में पहनते हैं, खास करके जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर गले में पहनती हैं। अब देखें 85 क्या बोला है, 85 वाला कि बादल बारिश से संबंधित है, बादल कैसे संबंधित है? बारिश से, तो सूर्य क्या होगा? बादल आने पे बारिश होती है, तो सूर्य आने पे क्या होता है? प्रकाश आता है, क्या आता है? प्रकाश आता है। पहाड़ आता है क्या? नहीं, प्रकाश आता है। अब 86 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि दोषी दोष मुक्त है, दोषी दोष मुक्त है, तो बताए आकर्षित क्या होगा? आप सोचिए हमें क्या यहाँ पे सही है ये करना हमारा कि दोषी दोष मुक्त है, कोई कार्य किया होगा दोषी दोष मुक्त, फिर बोल क्या रहे हैं यहाँ पे आकर्षित किसे सम्मिलित होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है, विकसित करना, ये हमारा आकर्षित से सम्मिलित होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा क्या होगा? सही होगा। अब 87 देखते हैं, कॉक कॉक बत्तख से सम्मिलित है, तो हंकारना किसे सम्मिलित है? कॉक कॉक जो यहाँ पे है क्या? बत्तख से सम्मिलित होता है, जैसे बत्तख काँव काँव कहती है, काँव काँव मतलब कौ कौ, तो उसी प्रकार सांड जो होता है वो क्या कहता है? हंकारता है। कभी आप सब सांड को देखे होंगे तो क्या कहता है? हंकारता है। वैसे जो बच्चे गांव में या कहीं मतलब रहते हैं गाँव के आसपास, तो जरूर देखेंगे सांड। अब 88 वाला देखिए क्या कहता है, पुरुष जीवनी, पुरुष से किस संबंध बताया यहाँ पे? जीवनी से, तो बताइए यहाँ पे जो राष्ट्र है उसका उनका किससे संबंधित होगा? उनका संबंध होगा इतिहास से। जिस प्रकार किसी पुरुष के जीवन की कहानियाँ हम लिखते हैं, जीवनी लिखते हैं, उसी प्रकार जो प्रकाश होता है, सॉरी, उसी प्रकार जो किसी राष्ट्र की कहानी इतिहास होती है, किसी राष्ट्र की कहानी क्या होती है? इतिहास होती है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 89 क्वेश्चन क्या कहता है कि चिकित्सक रोगी से संबंधित है, तो आपको बताना कि राजनीति किससे संबंधित है? जो चिकित्सक रोगी से संबंधित, तो राजनीति में क्या है? मतदाता से। अब 90 वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, दोषी भूतकाल से संबंधित है, दोषी क्या है? भूतकाल से, तो आशा किससे संबंधित होगा? ये सब देखिए बहुत आसान है, इसलिए हम जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं, ये किससे होगा? भविष्यवाणी से संबंधित होगा। अब 91 देखिए क्या है, ओएसिक,
आसान नक्श निस्तान, ये रेगिस्तान से समित है तो सागर किससे समित होगा? सागर मार्ग किससे समित होगा? यहाँ पे सागर प्रायद्वीप से होगा। जैसे जिस प्रकार रेगिस्तान के बीच में ओएसिस पानी का तालाब होता है, उसी प्रकार सागर के बीच में क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। सागर के बीच में क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। अगर जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या है? सही होगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं, क्या कहता है? देखिए 92 आ गया, 92 में क्या है? कली फूल। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द वाला आ गया, आपको दो ठो बताना होगा जो कली फूल से संबंधित है, तो और कौन सा इसमें ऑप्शन सही है कि जो उससे संबंधित होगा? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पता, कली का विकसित रूप फूल होता है। कली का विकसित रूप क्या होता है? कली मतलब छोटा सा पंखुड़ी के रूप में से होगा, और जब फूल बनेगा इतना बड़ा सा हो जाएगा, तो कली का विकास होगा फूल से। तो इसमें क्या होना, देखिए मिट्टी कीचड़ नहीं, पौधा पेड़ नहीं, तो बताइए आप क्या होगा? यहाँ पे होगा पौधा पेड़ ही, क्योंकि देखिए पौधा का विकास क्या होता है? पेड़ से होता है। ये छोटा सा पौधा लगाते हैं, कुछ समय बाद वो बहुत बड़ा सा ये पेड़ का रूप धारण कर लेता है, तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कली छोटी सी होती है, कल सुबह उठ कर आप देखेंगे तो बड़ी सी फूल खिल जाती है, तो पौधा छोटा सा होता है, तो कल सुबह तो पौधा बड़ा नहीं होगा, लेकिन कई सालों बाद तो पौधा बड़ा ही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पेड़ का रूप धारण कर लेता है। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, 93 क्या कहता है कि रेंसतरा, रेंसतरा मेन्यू से संबंधित है, तो आदि आपको संबंधित यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए जो पहला है पुस्तक, पुस्तक किसा है? पुस्तक सूची से, तो जिस तरह मेन्यू से समित होगा पुस्तक सूची, पुस्तक से समित होगा। 94 देखिए क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर करता है ठंडा है, तो देखना टेलीविजन नहीं, बैठना कुर्सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 का सी, फ़ोन बात करना, फ़ोन से क्या होता है? बात करते हैं, और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? ठंडा होता है। आगे से भी कम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तीर धनुष है, तीर से धनुष संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए तो आपको बताना है कि और क्या इससे संबंधित हो सकता है। यहाँ पे देखिए सलाद, सलाद चाकू से संबंधित होगी, जो सलाद क्या कहते हैं? चाकू से काटते हैं, और तीर कहाँ से निकालते हैं? हम धनुष से निकालते हैं। अब 96 से देखिए क्या कहता है, मगरमच्छ मलेरिया, मच्छर मलेरिया, सॉरी मगरमच्छ नहीं है, मच्छर है, मच्छर मलेरिया से मतलब क्या समझते हैं आप? मच्छर काटने से मलेरिया होता है, तो मक्खी काटने से भोजन होता है? नहीं। मिट्टी कटाओ? नहीं। सड़क दुर्घटना, तंबाकू कैंसर? हाँ, तंबाकू खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। अब तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यहाँ पे क्या है? सही है। अब 97 देखिए क्या कहता है, कलम लिखना, कलम का जो प्रयोग करते हो क्या कहते हैं? लिखने के लिए। मिटाना का प्रयोग रबर, गलत, क्योंकि कलम पहले होगा फिर लिखना बाद में होगा। ऐसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या जाएगा 97 का अगर देखा जाए आंसर क्या जाएगा? डी, चाकू काटने का होता है। चाकू से हम क्या कहते हैं? काटते हैं, कहते हैं चाकू से हम काटते हैं। अब देखिए 98 क्या कहता है कि बनाना तोड़ना है, बनाएंगे फिर तोड़ देंगे, यहाँ पे ये संबंधित बोला। तो यहाँ पे देखिए लंबा छोटा, ये दोनों उल्टा है, जैसे लंबा छोटा। अब 99 देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कूकर पुरस्कार, बूकर पुरस्कार साहित्यिक, बूकर क्या है? पुरस्कार साहित्य है, तो और आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपको जानकारी रहनी चाहिए पहले कि 99 में देखिए यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार ये कैसे सम्मित है, ये प्रत्येक आयता से सम्मित है। आगे हम इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था जो कि बहुत आसान भी है। लेखक किताब, लेखक से क्या समझते हैं? किताब है। एक लेखक क्या कहता है? किताब तो लिखता है और कुछ तो करता नहीं है, उसका यही कार्य है लिखना। आपका कार्य क्या है? आपका कार्य है पढ़ना, तो आप पढ़िए ना, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते हो, वो तो अपना कार्य करता है, आप सब नहीं करते हो। यहाँ पे देखिए लेखक क्या है? लिखने से समझते हैं, तो बढ़ई क्या कहता है? बढ़ई फर्नीचर बनाता है, अथवा बढ़ई फर्नीचर समृद्ध हो जाएगा। 101 वाला देखिए क्या कहता है, पक्षी पिंजरा से समृद्ध है, पक्षी किससे समृद्ध है? पक्षी पिंजरा से समृद्ध है, तो आपको आने बताना है कि यहाँ पे अपराधी जेल से समृद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 82 देखिए क्या कहते हैं, कैची कपड़ा से समृद्ध है, कैची किससे है? कैची कपड़ा से समृद्ध है। यहाँ पे कुल्हाड़ी किससे समृद्ध है? कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी से समृद्ध हो जाएगी, किससे होगा हमारे लकड़ी से समृद्ध हो जाएगा। 103 वाला देखिए क्या कहता है, सुना सुर बनाता है, सुना क्या कहता है? सुर बनाता है, तो यहाँ पे बढ़ई क्या कहता है? बढ़ई लकड़ी से बनाता है, बढ़ई क्या कहता है? लकड़ी से बनाता है। अन्य क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हम कुछ क्वेश्चन और लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला यहाँ पे लिए हैं, अन्य क्वेश्चन भी सेम वैसे ही थे तो उन्हें हम छोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि सिंह बाघ तेंदुआ, सिंह बाघ तेंदुआ ये क्या है? ये आपको बताना है, इसका एक शब्द संबंधित आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे देखिए चीता नहीं, मांसाहारी, मांसाहारी हो सकता है, सर्कस नहीं, चिड़ियाघर नहीं, जरूरी नहीं कि किसी चिड़ियाघर में ये तीनों उपस्थित हों। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे सिंह बाघ तेंदुआ है ये मांसाहारी समित है, अर्थात ये सब क्या चाहती है? मांस खाने के लिए। 128 वाला देखिए क्या कहता है, डंडा खंबा छड़ झंडा, डंडा खंबा झंडा। यहाँ पे देखिए क्या है, तथा तथा सब लेटर रहता है, डंडा या सौ ये हो सकता है शायद, और सहती इमारती लकड़ी। यहाँ पे देखिए क्या जाएगा, 128 सामा था जो होगा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन सी होगा धूरा धंडा, उसमें क्या कहेंगे? डंडे, डंडे या सॉफ्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 129 वाला क्या बोला है कि प्रारे पंचरण,
प्रासंचरण से संबंधित है, प्रासंचरण जीवन जीवित है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये शब्द बताना है किसके लिए क्या उपयोग तो सही होगा। यहाँ पे देखिए आप सब जो सी है विद्यमान, ये सब कभी आए हैं विद्यमान होना, अस्तित्व रखना, ये यहाँ पे है। अब इस 30 और देखिए हमें क्या कहता है कि गुफा घोसला माद है, ये यहाँ पे क्या है, क्या एक अस्थबल है, नहीं शहर है, नहीं गांव है, नहीं, तो ये क्या है, इस 30 और ऑप्शन डी हो जाएगा, ये क्या है, निवासी स्थान है। वीडियो में आपका यहीं फिनिश करते हैं, आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इसी जो सादिशा चैप्टर है इसमें कुछ और प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंग्रेजी अच्छा सादिशा, अंग्रेजी अच्छा सादिशा में हम कुछ वहाँ पे अल्फाबेट लेंगे और उसके बीच मध्यम अंतर करके बताएंगे। जैसे यहाँ पे हिंदी में होता है कि इसमें एक शब्द क्या होगा या इसके बीच में क्या आएगा, वैसे इंग्लिश में अल्फाबेट में भी इसका प्रयोग होता है। तो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।